अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक और हेल्दी नाश्ते की रेसिपी शेयर करूंगी और इसे बनाना बहुत आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने 1/4 कप सूजी ले ली है और 1/4 कप ही मैं इसमें दही ऐड करूंगी और ये 1/2 कप पानी उसमें डाल दूँगी। मैं अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें। तो ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है इसे और अब हम इसे 10 मिनट के लिए बंद करके रख देंगे, ढक्कन बंद करके। और ये 10 मिनट हो गए हैं तो अब मैंने इसे चेक कर लिया है। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच नमक ऐड करूँगी और 1 चम्मच मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। शुगर के मेल्ट होने तक हम थोड़ा से मिक्स करेंगे। अब ये मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी के लिए और ये सूजी थोड़ा पानी सोख लेती है। तो ये देखिए सही है बिल्कुल। ये देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी में हमें चाहिए। अब मैं इसे 3 पार्ट में डिवाइड करूंगी इक्वल और ये इसमें मैं थोड़ा सा शेजवान चटनी डाल दूंगी। हम सैंडविच ढोकला बना रहे हैं तो इसके लिए इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर दूंगी सूजी का बैटर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। तो देखिए ये हमारे पास 3 बैटर हो गए हैं। हम इसे स्टीम करेंगे। इसके लिए मैंने ये एक केक टिन ले लिया है। इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे तेल से और मैंने 1 पार्ट में ये 1 यूनो का पैकेट लिया है। ये 1 यूनो का पैकेट मैं 3 भाग में इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो इसमें मैंने 1/2 चम्मच जितना डाल दिया है और इसे इनो डालने के बाद हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए बैटर एकदम फ्लफी सा हो गया है। अब हम इसे ये इस ग्रीस की हुई टिन में डाल देंगे, पोर कर देंगे पूरा। ये देखिए मैंने डाल दिया है और हम इसे स्टीम करेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। अच्छे से लेवल कर देंगे। तो मैंने एक पतीले में पहले ही पानी गर्म होने के लिए रख दिया था तो मैं अपना ये टिन इसमें रख दूंगी और इस तरह से ढक्कन बंद कर दूंगी 5 मिनट के लिए। और अब ये 2nd पार्ट में मैं इसमें 1/2 चम्मच इसमें मैं इनो ऐड करूंगी और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब ये मैं 5 मिनट हो गए थे तो मैंने इसे खोला ढक्कन को और मैं इसी के ऊपर इसको पोर कर दूंगी और अच्छे से इसे फैला लेंगे हम। अच्छे से फैला लेंगे और इसे फिर से 5 मिनट के लिए ढक देंगे और 5 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। 5 मिनट के लिए स्टीम हो रहा है तब तक हम इसे 3रा बैटर भी तैयार कर लेते हैं। तो ये बाकी का बचा वो जो था ये मैंने इनो पाउडर इसमें ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसी के ऊपर मैं ये वाला बैटर भी इस पर मैं पोर कर दूंगी और इसकी लास्ट लेयर बनाएंगे हम। इसे भी मैं ढक दूंगी 5 मिनट के लिए। इस तरह पूरे 15 मिनट लगते हैं इसे ढोकला तैयार होने में। और ये देखिए 5 मिनट और हो गए थे तो मैंने इसे निकाल लिया और ये अच्छे से कुक हो गया। मैंने नाइफ डालकर इसमें चेक कर लिया था। इसे एकदम ठंडा होने के लिए रखेंगे हम। जब पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो इसे कट करेंगे इस तरह से पीसेस में। आप इसे पूरा निकाल सकते हैं और बाद में भी कट कर सकते हैं। अब मैं इस पर बघार डालूंगी। इसके लिए मैंने 2 चम्मच तेल गरम किया था और उसमें मैंने
दो पिंच ज़ीरा का ऐड किया है और दो पिंच मैंने इसमें राई का ऐड कर दिया है। कुछ करी पत्ते मैंने इसमें डाल दिए हैं और अब ये मैं इस पर तेल पूरा डाल दूंगी। ये हमारा ढोकला रेडी है। थोड़ा सा चॉप हरा धनिया मैं इस पर डाल दूंगी गार्निश के लिए। और ये देखिए ये निकल गया है आसानी के साथ। तो इस तरह से हम सारे पीसेस निकाल लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत टेस्टी है ये। और 15 मिनट में बन जाता है, बहुत ही जल्द बन जाता है ये। तो आप ज़रूर ट्राई करें और आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट रेसिपी में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम।